ट्रेड है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। देखिए ये जो ट्रेड निफ्टी का पूरा ये पूरा ट्रेंड चल रहा है, पूरा ट्रेंड मैंने आपके साथ यहीं पे शेयर किया है, तो समझिए कि कितनी आसानी से जिंदगी बदल सकती है और कैसे आप इस टाइप के मार्केट को समझ सकते हैं और हमने क्या प्रॉफिट बनाया, पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा। और देखिए हर एक डिप पे बाय किया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट मिला है, मैंने हर एक जगह पे आपको बाय करने के लिए बोला अंधाधुंध, ऐसे ही नहीं बोला अंधाधुंध, पूरा लॉजिक एक्सप्लेनेशन है कि मार्केट ऊपर ये जा रहा है तो क्यों जा रहा है, यहां से हम ट्रेड ले रहे हैं और पूरा यहां तक हम एक जैकपॉट प्रॉफिट बना रहे हैं। और मैं आपको पूरा प्रॉफिट लॉस यहां पे दिखाऊंगा और कैसे कैसे प्रॉफिट और कैसे कैसे लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए भी एक सलाह है कि ऑप्शंस बाइंग में अगर इस टाइप के आप प्रॉफिट बनाना चाहें तो आपका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मार्केट इतना ऊपर जाएगा लेकिन आपका उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा, उसका भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज को समझिए कि यहां से देखिए अगर जिसने यहां से बाइंग किया, मैंने आपके साथ क्लियर कट शेयर किया ये वाला पूरा जोन में, यहाँ पे बाय किया यहाँ पे बाय किया यहाँ पे बाय किया, इधर भी हर एक जगह पे बाय करने के लिए बोला, तो कहीं पे भी अगर किसी ने बाय किया तो एक जैकपॉट प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। लेकिन वो प्रॉफिट अगर आप ऑप्शंस में करेंगे तो उसमें आपको कम होगा या फिर लॉसेस हो सकते हैं, तो ऑप्शंस का भी मैं आपको यहाँ पे लाइव में दिखाऊंगा कि ऑप्शंस में कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या होता है। लेकिन इस चीज को समझिए कि कोई भी निफ्टी का अगर आप इससे पहले आज का इंट्राडे चार्ट को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखिए पूरी दुनिया आपको अलग अलग कहानी बताएगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, मार्केट का जो डेली चार्ट है मैंने आपको ट्रेंड पूरा बताया, पूरा ट्रेंड ये जो है डेली चार्ट, एक बार वापस से मैं आपको कर लेता हूँ, डेली चार्ट में जो पूरा ट्रेंड है, इस पूरा ट्रेंड को फॉलो करने का जो तरीका है ना, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बार बता चुका हूँ, आप बहुत सारे वीडियोस को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, अभी भी मैं आपको बताऊंगा तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे देखिए कि अगर आपका व्यू मार्केट में पूरी दुनिया अगर आपका बेरिश है और आप या फिर जो भी आपको लग रहा है, लेकिन आपका जो एनालिसिस है, आपका जो जैसे कि हमारा एनालिसिस ये बोल रहा है, आज मैं आपको पूरा ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा कि मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से ही ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जाकर भी ऊपर जा सकता है, हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि हमारा 21,500 क्लियर कट स्टॉप लॉस है, उससे ऊपर जब तक मार्केट है कोई भी लेवल पे है बाय ही करना है। देखिए कोई भी लेवल पे बाय करना है, हमको छोटे छोटे लेवल मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एक मिला रेंज, यहाँ पे बाय कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ गया यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हमने बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे ही बाय किया। आप बोलेंगे कि इतना अग्रेसिव बाइंग किया जाता है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जिंदगी बदलना है, जिंदगी बदलने वाले ट्रेड करने हैं तो आपको अग्रेसिव ट्रेडिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, उसमें रिस्क आपका डिफाइंड होना चाहिए और इसमें आपको मैं एक हेजिंग वाला टेक्निक बताऊंगा जिसमें निफ्टी फ्यूचर को आप आराम से हेज करके इसमें एक कॉल ऑप्शन के साथ आप पुट ऑप्शन के साथ आप हेज कर सकते हैं और एक जबरदस्त प्रॉफिट आसानी से बनता है। और ये जो पूरा ट्रेंड है निफ्टी का, ये पूरा ट्रेंड है या फिर बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में भी देखें, जैसे कि ये डीएलएफ में आया पूरा मूवमेंट, अभी एसबीआई में मूवमेंट आने वाला है, आ भी रहा है, और इसमें बहुत सारे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, यहाँ पे मैं निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए निफ्टी को समझिए। आप निफ्टी के आवरली चार्ट को समझिए एक बार, निफ्टी का आवरली चार्ट यहाँ पे, ये पूरा जोन में मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ है तब भी बाय करना है, मार्केट नीचे मिला तब भी बाय करना है, यहाँ भी है तब भी बाय करना है, यहाँ मिले तब भी बाय करना है। कहने का मतलब कि अगर आपने ये पूरा एक्यूमुलेशन कर लिया तो अभी भी तो आप प्रॉफिट में ही है ना, फ्यूचर में अगर आप इसमें आपने ऑप्शंस की बाइंग की तो एक अलग बात है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पहले अभी इस वीडियो में। लेकिन पहले इस चीज को समझिए कि अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए आपके पास कोई अगर स्ट्रेटेजी है तो आप कितना जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इस चीज को समझिए कि अगर आप सिंपल तरीके से अगर इतना अग्रेसिव तरीके से यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट आने के बाद मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइप से बाय करना है, मैं आपको अभी ट्रेड बुक दिखाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि हमने कहाँ कहाँ पे बाय किया, हमने आपके साथ इस लेवल पे बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया और लास्ट में हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें ऑप्शंस की बाइंग करेंगे तो आपको लॉसेस होंगे, इसलिए अगर जो ऑप्शंस की बाइंग में सोचते हैं कि जिंदगी चेंज हो सकती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत आपको सोचना समझना पड़ेगा, कई बार आपको लॉसेस भी होंगे तो उसको समझना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ फ्यूचर की बाइंग की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप फ्यूचर बाइंग में आपको डर लग रहा है तो उसके साथ एक पुट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि इसको हमको एक हेजिंग की तरह यूज करना है। अब आज के दिन में मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, मार्केट की ओपनिंग होती है
21,735 के आसपास में इस जोन में हमारा एक ट्रेड हो गया, एक ट्रेड यहाँ पे हो गया, एक ट्रेड मान लीजिए कि यहाँ पे हुआ हमारा। ये 5 लॉट का बंच होता है, 2 लॉट यहाँ से ऐड करेंगे, नीचे आएगा यहाँ पे भी ऐड करेंगे, फिर नीचे आएगा यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ये लॉट की जो संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो सकता है। मिनिमम 5 लॉट का ट्रेड होता है, और क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा देखिए हम 750 पे बाय कर रहे हैं, तो अगर हमको 500 तक का स्टॉप लॉस रखना है तो हमें 700 भी बाय करना पड़ेगा, 650 वगैरह पे भी बाय करना पड़ेगा, जहां पे भी सपोर्ट वगैरह दिखेंगे वहां पे बाय करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो व्यू के अनुसार हमें 4-5 लॉट के साथ कम से कम काम करना है, और इन सबको हेज करने के लिए हमें एक पुट उसी टाइम बाय करते रहना है। जिस टाइम हम एक फ्यूचर बाय करते हैं उसी टाइम हम, जैसे कि मार्केट का ओपनिंग हुआ तो हमें निफ्टी फ्यूचर मिल गया कितने पे, 21,730 के आसपास में, ठीक है। यहाँ पे हमें निफ्टी फ्यूचर 730 नहीं मिला, आप एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट था वो स्पॉट का, फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर का चार्ट आराम से देख सकते हैं। फ्यूचर का चार्ट में देख रहे हैं कि 21,800 के जोन में हमारा यहाँ पे एक लॉट ऐड हो गया। उसके बाद उसी टाइम हमारा ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 21,500 का है, तो 21,500 का ही एक पुट ऑप्शन मंथली एक्सपायरी का ले लेते हैं, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी का यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन हमने ले लिया, वो 130-132 आसपास में मिल गया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट नीचे आ गया, मार्केट यहां से क्या हुआ कि एक पैनिक सिनेरियो आ गया। डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, हेजिंग का पोजिशन बना लिया, हमारा जो मार्जिन लग रहा था 1 लाख वो हमारा 35,000 आसपास में आ गया, लेकिन हम उसमें 10-15,000 और एक्स्ट्रा रखेंगे, कई बार हमें इसमें मैनेज करना होता है। तो 50,000 पर लॉट के हिसाब से मान लेते हैं कि हमें खर्च हुआ, यहाँ पे 50,000 और हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फिर से एक मौका मिला, मार्केट वापस यहाँ पे एक सपोर्ट के पास आया, और सपोर्ट के पास आया, और ये क्या लेवल है आपका, 750 का लेवल है। तो 800 पे हमने एक ऐड किया और 750 पे एक ऐड कर लिया। 750 पे ऐड करने के बाद अब हमारा एवरेज प्राइस कितना आ गया, 775 के आसपास में। अब ये जो 775 आया, यहां से देखिए मार्केट वापस आ गया यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसमें आपको कैसे आसानी से बच जाना है उसको भी समझिए। क्योंकि देखिए ट्रेड में आपको क्या करना है, एक लॉट यहाँ पे ऐड किया, एक लॉट यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे जब आपने लॉट ऐड किया तो आपको जो पुट है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आपने 135 में पुट लिया, यहाँ पे आ गया पुट आपका कितना, 150 आ गया। तो 150 पे आपने एक लॉट और ऐड कर लिया, अब इस पुट का एवरेज बाय प्राइस आपका लगभग आ जाएगा 140-142 के आसपास में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर से चलते हैं, फिर से मार्केट में क्या हुआ, फिर से मार्केट में यहां से ऊपर आया लेकिन ऊपर नहीं सस्टेन करने पाया, फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे आ गया, और ये जो है एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन हो गया, इसका टारगेट लगभग आ गया। और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, और यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाया था, अभी वो ट्रेंड लाइन डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था और बहुत सारा कंफर्मेशन था। यहाँ पे बाय ही करना था, मैंने आपके साथ बहुत अग्रेसिव टाइप से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना अग्रेसिव टाइप से मैं यहाँ पे बाय कर रहा था, पागल की तरह बाय कर रहा था, क्योंकि यहाँ के बाद पूरी दुनिया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में आ गई थी। जब पूरी दुनिया सेलिंग, या बहुत सारा लॉजिक होता है उसको समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से आज नहीं तो कल तो बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा ही, और उसके बाद आज ही के दिन में आ गया। उसके बाद क्या क्या हुआ उसको भी समझिए। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि मार्केट में ये यहाँ पे बाय हो गया हमारा, यहाँ पे भी बाय हो गया हमारा, लगभग 21,700 के आसपास में एक लॉट और ऐड हो गया। अब हमारा कितना पोजीशन बन गया, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि मैं एडवांस तरीके से काम करता हूं, तो मैं यहाँ पे जितनी बाय करूंगा उससे ज्यादा यहाँ पे डबल ट्रिपल में बाय करके मैं इसको मैनेज कर लूंगा, और इसमें अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं ये चीज को बता रहा हूँ, और ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में हमने क्या किया, एक सिंपल तरीका समझिए, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, तो हमारा एवरेज बाय प्राइस लगभग यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 21,750 के आसपास में हमारा 3 लॉट का एवरेज बाय प्राइस आ गया। और सेम टाइप से हमने यहाँ पे पुट भी बाय किया है, तो पुट का जो एवरेज बाय प्राइस आएगा वो लगभग ये वाला इस जोन में आ जाएगा, यानी कि हमारा ये 150 के आसपास में आ जाएगा, यानी कि हमारा जो टोटल इसमें कॉस्ट लगेगा 150 के आसपास में। अब देखिए इसमें मार्केट में इसमें क्या आया है, ये 130 तक आया, वापस आया है, यानी कि 20 पॉइंट पर लॉट के हिसाब से लॉस होगा, तो 3 लॉट में हमारा 50 से 60 पॉइंट का लॉस होगा।
अब देखिए यहाँ पे जब ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ये सब लेवल पे आ गया तो मैक्सिमम में फ्यूचर की देख लेते हैं कि मैक्सिमम फ्यूचर में कितना हुआ। तो मैक्सिमम फ्यूचर में आपको यहाँ पे 21,816 का मिला, जो कि आपका बाइंग प्राइस कितना था, 21,750, यानी कि आपको लगभग यहाँ पे 60-70.1 लॉट फ्यूचर में मिला, जबकि आपको 3 लॉट में वहां पे एक लॉस हुआ, यानी कि आपका जो 2 लॉट जो फ्यूचर आपका था वो आपका फ्री हो गया प्रॉफिट में। ठीक है, आपने समझे, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने 3 लॉट यहाँ पे पुट भी बाय किया, लेकिन तीनों लॉट में जितना पुट में लॉस हुआ एक फ्यूचर में ही उतना एक कवर हो गया, और बाकी जो 2 फ्यूचर बना वो आपका एक प्रॉफिट बन गया। यानी कि आपका टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 120-125 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, कितने में, इंट्राडे में ही हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस ट्रेड से डर लग रहा है, ये पैनिक से आपको डर लगा, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया, तब भी आप 5-6 हजार के प्रॉफिट के साथ आराम से दिन को क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है इसमें, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, ये आपका एक ट्रेड का मैनेजमेंट हुआ दोस्तों। अगर आप यही चीज अगर आप ऑप्शंस में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और यही चीज अगर आप नहीं करके आप क्या करेंगे कि इतने करने के बाद आपने प्रॉफिट तो बुक, अगर आपको डर लगता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो आप चार्ट्स को देखते रहिए। और ये क्यों हमने ये सब ट्रेड लिया, क्योंकि चार्ट में हमें यहाँ पे देखिए, ये तो अभी हमने ट्रेड एक्यूमुलेट यहाँ पे किया है। ठीक है, सेम टाइप से यहाँ पे एक बड़ा एक्यूमुलेशन जोन था, ठीक है, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन हुआ। ये ट्रेड एक्यूमुलेट करने के बाद अब तो हमें अगर ऊपर जाता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा टारगेट देखिए यहाँ तक आ रहा है अभी तो। ये ट्रेड अभी देखिए, ये आपका फ्यूचर का चार्ट है, फ्यूचर में क्लियर कट आपका पैटर्न दिख रहा है, और निफ्टी जो स्पॉट है उसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट होकर ऊपर ब्रेकआउट और रिटेस्ट हुआ है। तो अभी मार्केट इसमें हुआ क्या, इसमें टोटल आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट था यहाँ पे निफ्टी में, जो आपका पूरा ये जो करेक्शन का फेज आया, ये आपका एक सब बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही है ना। अब यहां से हो सकता है कि ऊपर ना जाए तो हमें इस ट्रेड में लॉस होगा, तो इस ट्रेड में हमें कितना लॉस होगा, हमने जो अभी आपको मैनेज करके दिखाया ना सेफ तरीके से, नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो 21,500 है इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें जो पुट है वो हमें लॉस, जो लॉस है फ्यूचर में है वो पुट हमें मैनेज करेगा, तो हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट आपने देखा यहाँ पे, अब इसको डेली चार्ट में समझिए तब आपको समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। डेली चार्ट में अगर सेम टाइप से आपने कोई एक ट्रेड बनाया जिसमें कितना आपने देखा रिस्क कितना हुआ, आप नीचे का मान लीजिए कि 150 रुपए का एक आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 19,800 पे मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला था कि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट दे रहा है, और इसको मैं डेली लगातार बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ पे कहीं पे भी आपने पकड़ा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए ये 2,000 पॉइंट का रैली में आपने मान लीजिए कि 1,000 पॉइंट भी कैप्चर किया, और आपने 150 पॉइंट पुट में दिया, तो आपको 800 पॉइंट मिला ना। आपको 800 पॉइंट वैसे मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल तरीके से अगर आप सिस्टम से ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपने 5 लॉट यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, 5 लॉट एक्यूमुलेट किया। अब जो 2 से 3 लॉट है उसको आपको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा वो आपको जितना भी आपका व्यू है, अगर आपका रोंग होता है स्टॉप लॉस हिट होता है तब करना है, बाकी जो 2 लॉट है उसको मैनेज करते रहना है, डिप आए तो बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बाकी 2 लॉट के साथ, 2-3 लॉट के साथ मैंने आपको क्या सिखाया, अभी आपको आवरली चार्ट में यहाँ पे कैसे दिखाया, आपको 5 मिनट चार्ट में इंट्राडे में कैसे करना है, आप आसानी से उसमें भी 5-7 हजार का प्रॉफिट लेके निकल गए। और जो बाकी हमारा जो 2-3 लॉट का रहेगा, मान लीजिए कि आप 5 लॉट लिया, 2 लॉट में 3 लॉट में आप इस टाइप से कर रहे हैं, और दो दो लॉट को आपने कंप्लीटली होल्ड कर लिया, और 3 लॉट से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 3 लॉट से जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें भी 5-7 हजार का प्रॉफिट होते जा रहा है, और जो ये जो प्रॉफिट चल रहा है 5-7 हजार आपका कितने पॉइंट में मूवमेंट में आया, आपका निफ्टी का मात्र 50-60 के पॉइंट के मूवमेंट में, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट में आप 10 हजार उसका एक अलग से मान लीजिए, यानी कि 3 लॉट में काम कर रहे हैं तो उसमें आपका 2 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो आपका एक 10 हजार का प्रॉफिट होगा, तो आपका जो 5 लॉट का प्रॉफिट होगा वो 4 लॉट में होगा। अब देखिए इसको समझिए, ये जो 4 लॉट का जो प्रॉफिट है यहाँ पे कैसे होता है, यहां से आपने बाय किया, यहां से आपको यहां से यहां तक आपका 1,000 पॉइंट स्ट्रेट मिला। ठीक है, इस 1,000 पॉइंट स्ट्रेट मिलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका फ्यूचर का पोजीशन है, आप मंथली एक्सपायरी के साथ ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, तो जो पुट ऑप्शंस का जो होना था वो तो हो गया, यहाँ पे आपको रिस्क है, यहाँ पे आपको रिस्क है, लेकिन यहाँ पे रिस्क को अगर आपको मैनेज करना है तो आप नजदीक का एक्सपायरी का या तो ट्रेड ले लीजिए, कुछ पुट ले लीजिए, या फिर अगर आप नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देगा निकलने का, वहां पे निकल जाएंगे,
नहीं देता है सिग्नल, और कहीं पे भी सिग्नल नहीं दिया। और मैं आपको कहीं पे भी इस पूरे मार्केट के ट्रेंड में, आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखिएगा, कहीं पे भी सेलिंग का ट्रेड नहीं दिखाया है कि आपको यहाँ पे पूरी तरह से सेल कर देना है। कभी कभी यहाँ पे कुछ हेजिंग के लिए ट्रेड ले लिया, कुछ यहाँ पे छोटा सा करेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, नहीं तो कॉल तो हमारा रेगुलर बाइंग ही है। मतलब यानी कि हमारा जो दो लॉट है आपको यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बाय ही दिख रहा है, और बाकी जो तीन लॉट है उसमें भी यहाँ पे प्रॉफिट ही चल रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, हमने 2000 पॉइंट में मान लीजिए 1500 पॉइंट में पकड़ा, तो आपने दो लॉट में मतलब उतना पकड़ा, तो आपका कितना हो गया, 1500 पॉइंट का दो लॉट का आपका 3 लाख रुपए ऐसे हो गए सीधे सीधे। जबकि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया यहाँ पे, 5 लॉट के साथ किया है, 50,000 का हमारा एक लॉट यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हमने हेजिंग लिया है तो 50,000 का बन रहा है, तो ऐसे 1 लाख से ऊपर का बनेगा। ठीक है, तो हेजिंग लिया है तो 50,000 आसपास का बन रहा है, तो हमारा 2.5 लाख आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ, और सिर्फ दो लॉट में 3 लाख हुआ, और दूसरा का जो था वो भी दो लॉट ही था, तो उसमें भी कितना का हुआ, उसमें भी हुआ हमारा दो लॉट का, यानी कि उसमें भी 3 लाख का हुआ। तो 3 3 6 लाख का आपका प्रॉफिट बना, और कितना आपका यहाँ पे रिस्क हुआ, कितना आपका कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय हुआ, 2.5 लाख। लेकिन सिर्फ 2.5 लाख से नहीं रखना है आपको, जो बाकी जो 2.5 लाख है, 5 लाख से मिनिमम ये ट्रेड है, तो 5 लाख का ट्रेड आपका यहाँ पे देखिए 6 लाख हो गया, 5 लाख ही मान लीजिए, तो डबल आपका आसानी से हो गया। अब जो डबल हो गया वो 5 लाख का जो आपका कैपिटल है उसको साइड में रख लीजिए, और फिर 5 लाख का जो कैपिटल है उसको इस टाइप से मैनेज करने करके, जो आज के दिन में मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया कि किस टाइप से ट्रेड किया जाता है, उसको मैनेज करके ट्रेड कीजिए, आसानी से आपको प्रॉफिट बनेगा। अब आते हैं ऑप्शंस बाइंग की हकीकत पे। देखिए ऐसे व्यू पे आप ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हमारा पीएनएल देखिए, हमने आपको दिखा बताया कि हमने कई आज के दिन में क्या किया, हमने आप पूरा ट्रेड को देखिए, जिस भी लेवल पे मार्केट मिला हमने यहाँ पे देखिए बाइंग किया। ठीक है, हर एक लेवल पे बाय किया हमने, कोई भी लेवल पे हमने नहीं छोड़ा, और बहुत सारे ऑप्शंस हमने अलग अलग रेट पे बाय, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं, बहुत सारे ट्रेड लिए, छोटे छोटे क्वांटिटी में एक एक लॉट में ट्रेड ले रहे थे, तो आपको बहुत सारा दिखेगा। 7 रुपए में भी, 6 रुपए में भी बाय किया, 6 रुपए में भी देखिए बाय किया, बहुत सारे मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 29 रुपए इसमें बाय हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 रुपए में बाय, 5 रुपए 65 पैसे में बाय, 5 रुपए 20 पैसे पे बाय, 4 रुपए 65 पैसे पे भी बाय, 4 रुपए 65 पैसे पे भी बाय। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये सब थोड़ा मार्केट अच्छा नहीं लगने लगा, तो उसके बाद कुछ कुछ सेल भी हुआ, 6 रुपए 35 पैसे, 6 रुपए 25 पैसे। अब देखिए एक चीज को समझिए कि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस टाइप से आप करेंगे तो आपको फंसाने वाला गेम होता है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब आप इस लॉस को समझिए कि ये लॉस जो हमारा चल रहा है इसमें देखिए रियलाइज हमने कुछ नहीं किया है, ये लॉस को हम अगर आने वाले दिन में, ये जो ट्रेड है कल के दिन में ही आपके साथ ओपन था, और ये सब क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है 5 लाख 7 लाख की मैं उतना वो ट्रेड कर सकूं। लेकिन स्ट्रैटेजी को समझिए, स्ट्रैटेजी काफी अच्छी तरह से काम कर सकता है, करता है। मैं आपको लाइव टेस्ट बैक टेस्ट जो कहिएगा वो करके दिखाऊंगा, जहां कहिएगा वहां करके दिखाऊंगा। ये कैपिटल रहेगा, मैं आपको इस टाइप से एक, जैसे कि ये जो हमारा जो पूरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है ना, ये 5 6 हजार हम लोग एक दिन में बना भी लेते हैं। हमने अभी आपको रिसेंट में ही दिखाया है कि 5 हजार से 35 40 हजार का प्रॉफिट हो गया, वहां से अभी 10 15 हजार का लॉस चल रहा है। और ये लॉस इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा व्यू सही है, हमारा व्यू कंप्लीटली सही है दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पे बाय ही करना है और बाय ही कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में इतना ज्यादा डीके होता है कि ये हमें नहीं आगे बढ़ने देता है। अब आप बोलेंगे कि मंथली एक्सपायरी में कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहां पे एक पूरा मंथली का दिखाया है, आप पूरा मंथली का भी करेंगे, 400 500 पॉइंट का प्रीमियम होता है, और मैंने वो भी ट्राई करके देखा है। हाँ, नेट नेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी इस टाइप से है कि मैं ऑप्शंस में भी, अभी देखिए इतने सारे लॉसेस चलने के बावजूद भी अभी हम जो है प्रॉफिट, मतलब अभी 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता, और कैपिटल जो है वो इतना बढ़ने में हमारा 1 साल 2 साल 3 साल तक का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि इस टाइप का जो ट्रेडिंग मार्केट है लगातार नहीं मिलता है, तो जब मिलता है तब प्रॉफिट बनता है, उसके बाद छोटे छोटे लॉसेस या फिर उसको कंसोलिडेट किया जाता है, या फिर देखिए आज के दिन में हमने क्या किया, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने कुछ स्टॉक्स खरीद लिया, जो प्रॉफिट बनाया उसे स्टॉक्स खरीद लिया, ताकि रिस्क को भी मैनेज किया सके। अगर स्टॉक्स में कोई अगर लॉसेस अगर ज्यादा, क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा लॉसेस नहीं हो सकते क्योंकि ये तो कैश मार्केट का ट्रेड है, तो अगर ऑप्शंस में उस टाइप का अगर मूवमेंट नहीं बनेगा तो स्टॉक्स में हम यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अगर आप समझते हैं तो मार्केट में ट्रेड, देखिए ऑप्शंस में अगर आप करेंगे तो फंसेंगे, आप बोलेंगे कि ये ओटीएम ऑप्शन इसलिए फंसे हैं,
ओटीएम नहीं, कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शंस डाउन हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑप्शंस मार्केट जब इस टाइप का रेंज होता है ना, और मार्केट आप देखेंगे क्या करता है कि ज्यादातर आपका रेंज रेंज ही चलता है। यहाँ पे तो आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ पे लॉस। तो जो ऑप्शंस बाय में आपको प्रॉफिट होगा, रेंज में आपको लॉस हो जाएगा। तो आप नेट नेट जो है, आप अगर आपका कैपिटल है डबल वो अगर कर पाएंगे, ट्रिपल कर पाएंगे, 4 गुना कर पाएंगे, 5 गुना ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस सेफ स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो आपको डेली प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छी तरह से अप्लाई होती है, लेकिन सबके लिए आपको कैपिटल चाहिए। ये ऑप्शंस बाइंग में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको उतना अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी जिंदगी को आसानी से बदल सकता है। मेरी भी जिंदगी ट्रेड से बदलेगी कभी न कभी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इतना लंबा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिले।